हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विश निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखिए आज के ब्लॉग में क्या है। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर कर मुझे बताते रहिए। और तो मेरी तबीयत तो आपको पता ही है, खराब ही हो रही है। बुखार आया था, बुखार तो मेरा उतर चुका था, पर जो वीकनेस थी, चक्कर से थे और ठंड सी लग रही थी, और पेट में भी दिक्कत हो रही थी। तो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो एकदम शरीर डाउन सा हो जाता है, वीकनेस ही आ जाती है। तो मैं ले रही थी जीरे अजवाइन का चूर्ण, तो ये मैंने अपने ही घर पे बना रखा है। तो इसकी रेमेडी मेरे ब्लॉग पर है, आप को बनाना हो तो आप मेरे चैनल पे इसकी रेमेडी है तो आप उसको बना सकते हो। हर घर में रहना चाहिए, जीरे अजवाइन का चूरन है, ये काले नमक के साथ खाया जाता है। तो मैं इसको खा रही थी और ठंड भी लग रही थी, और जर्सी पहनी थी मैंने तो उससे एकदम घबराहट सी होने लगी। तो फिर मैंने वो उतारी, फिर मैं धूप में आकर लेट गई हूँ और मन ऐसा ही हो रहा था, उदास सा। उधर मेरी कैंडी घूम रही थी, क्योंकि कैंडी को भी मैं दिखा के लाई थी, इसके भी पैर में प्रॉब्लम थी तो इसके पट्टी वगैरह बांधी थी। उधर मेरे सूर्य देवता जा रहे हैं, और ये है कि बड़ा अच्छा लगता है अंदर भी रह आओ और फिर भीतर से जब बाहर की तरफ आते हैं। अब सर्दियों में तो धूप बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ मैं कैंडी से प्यार कर रही थी और कैंडी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। पर हम ना कैंडी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और इंजेक्शन वगैरह टाइम पे, 1 साल में 1 बार इंजेक्शन लगता है, जो एंटीबायोटिक जो होता है रेबीज वगैरह का वैक्सीन, वो लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझसे तो इतना प्यार करती है बहुत ज़्यादा। और फिर शाम की चिंता लग रही थी कि मैं शाम को अब खाना बनाऊंगी, तो आज मेरे खाने में बन रहा है आलू लहसुन की सब्जी। तो आप लोगों ने बनाई भी होगी, और नहीं भी बनाई हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना। अब सर्दियाँ आ गई हैं, लहसुन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये डाल दिया मैंने जीरा, और ये लहसुन मैंने छील लिया था, इनको मैंने थोड़ा सा मतलब कटरा नहीं है, छेद लिया है। तो इस तरीके से इसको कूटनी जो होती है, अदरक कूटने वाली, उसे कूट लो पहले लहसुन को। और इसमें डाल दी है मैंने अदरक, और अदरक के बाद मैंने डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे, लहसुन भी भुन जाएगा, हल्का सा रेड सा करना है, हल्का हल्का ब्राउन सा। और ये मैं टमाटर काट रही हूँ, ये देसी टमाटर हैं, मैं लाई थी। अब तो देसी आ गए हैं, तो देसी वाले अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टी सब्जी। और इनको मैं काट रही हूँ, और सर्दियों में लहसुन आलू की सब्जी भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और किसको अच्छी लगती है और कौन बनाता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और किसी को नई लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में, खासकर ज़्यादा अच्छी लगती है। ये डाल दिए मैंने आलू, इसमें मोटे मोटे आलू काट कर डालें और इस तरीके से चला लें। चलाने के बाद फिर इसके बाद डाल दूँगी मैं टमाटर। और अब सर्दियों में आलू टमाटर लहसुन, ये खाली टमाटर आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको भी इस तरीके से ही चलाते रहेंगे, जिससे कि आलू भी थोड़े से भुन जाएं। अब ये सारे भुन चुके थे आलू वगैरह टमाटर वगैरह, अब डाल देते हैं इसमें हम मसाले। तो टमाटर करीब करीब बिल्कुल पिचक चुके थे, तो इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालने के बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट अनुसार डालें, और नमक भी आप टेस्ट अनुसार डालें, आप किस तरीके का पसंद करते हो। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा नमक
और मिर्च कम ही खाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से डाली हैं। और इस तरीके से इसको चलाएंगे। चलाने के बाद मैं देख रही थी कि आलू जो तेल में गल तो नहीं गए हैं, वो ज़्यादा गले नहीं थे, तो जैसे कि इसमें मैं पानी डालूं तो अच्छी तरीके से पक जाए। फिर इसमें डालेंगे हम पानी। पानी डालने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर, तो चला लेंगे। और आप पानी भी अपने अनुसार डाल सकते हैं कि आप कितने मतलब पानी वाली सब्जी और कितनी गाढ़ी वाली सब्जी खाना चाहते हो। तो इसमें तो मैं ना ज़्यादा पानी डालूंगी और ना ज़्यादा गाढ़ी, मीडियम ही बनाऊंगी और वही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप इसको मक्के की रोटी से, बाजरे की रोटी से, गेहूं की रोटी से, किसी भी रोटी से आप खा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जी ये। और कोई सब्जी ना हो तो आप भाई लहसुन प्याज तो हर घर में रहते हैं, और जो लहसुन खाते हो तो वो तो खासकर बना ही सकते हैं, और जो अवॉइड करते हैं लहसुन को तो भाई उनके लिए तो इम्पॉसिबल है इस सब्जी बनाने के लिए। पर आप खाना एक बार बनाकर ट्राई करना, ट्राई कर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर्दियों में किस किस ने ये सब्जी बनाई है और खाई है। अब सर्दी आ गई है तो फायदे, और लहसुन तो देखो ज़्यादातर फायदेमंद ही रहता है। प्याज अपना काम करती है, लहसुन अपना काम करता है, जो भी सब्जियों में सामग्री डलती है सब अपना अपना काम करते हैं। तो ये मेरी सब्जी बन चुकी है। अब इस सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ डोंगे में, या बाउल बोलते हैं या डोंगा बोलते हैं, जो भी बोलते हों। तो मैं इसको निकाल लिया है अलग बर्तन में। बर्तन में निकालने के बाद अब मैं इस पे गार्निश करूँगी हरी धनिए की। और देखो कितना प्यारा कलर आया है। और ये मैंने डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको मैं चला दूँगी। और हरा धनिया भी इतना फ्रेश था, सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्जी। मुझे ना रोटी चाय ठंडी दे दो, पर सब्जी गरम गरम ही अच्छी लगती है। और किसको गरम गरम सब्जी अच्छी लगती है, रोटी ठंडी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये मैंने चला दी है, और बहुत ही प्यारा कलर आया था, और बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्जी देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। तब हमने खाई थी, मैंने तो बाजरे की रोटी बनाई थी और उसके साथ जो मींड के खाते हैं रोटी, उस तरीके से खाई थी। और मींड के रोटी कौन खाता है प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना। देखो पास से इतना प्यारा कलर था, सच बताऊँ ना तो चिकन, अंडा, एग, करी वगैरह जो थी सब फेल थी इसके आगे। और बहुत ही अच्छा, बच्चे भी ये कह रहे थे मम्मी कोई सब्जी ना हुआ करे तो आप ना लहसुन और आलू की सब्जी ही बना लिया करो, हम तो खा लेंगे, हमें अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने छौंकी थी, आपको सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ हरी मिर्च जरूर छुकी हुई रखी रहती हैं। तो ये मिर्च छुक चुकी थी और तैयार हैं। थैंक यू, बाय बाय।